जय हिंद दोस्तों, आपको स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उस वीडियो में एक सातीर चोर किस तरह से शटर का ताला तोड़ करके और चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये मामला मीरा भायंदर के काशीमीरा पुलिस स्टेशन के हद में आता है और काशीमीरा हाईवे के पास ये दुकान है, एक हार्डवेयर की दुकान है। इस 6 अगस्त की रात करीबन 10:30 बजे ये चोरी हुई है। चोरी करने का तरीका जो है, देखिए किस तरह से वो सातिराना अंदाज में पहले जो है आकर के शटर का ताला तोड़ता है, फिर अंदर जाता है और इत्मीनान से करीबन अंदर वो 10 मिनट रहता है। इत्मीनान से वो सारे ड्रॉर को चेक करता है और पैसे, बड़े इत्मीनान से वो पैसे को निकालता है और उसके बाद बड़े ही इत्मीनान से वो निकल करके भाग जाता है। इसकी जो FIR है, इसकी जो कंप्लेन है, वो काशीमीरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गई है, यानी 7 अगस्त को इसकी कंप्लेन दर्ज हुई है। लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस इस मामले में आरोपी को तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी हाथ में नहीं आया है। सूत्रों की माने तो उसी एरिए में, यानी उसी एरिए में एक और दुकान में भी इसी तरह की चोरी हुई, लेकिन उस दुकान में जो है कैश ज़्यादा नहीं था, 2-3 हज़ार रुपये ही थे कैश। इसलिए वो चोर जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चोरी करने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन सेम पैटर्न से एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे वापस चोरी हुई है। लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लोगों की दुकानें खुलने लगी है, लेकिन इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये चोरी की वारदात बढ़ रही है। अब पहले तो ऐसा था कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी आदमी आता जाता दिखाई देता था या कहीं पे देर रात को दिखता था तो उस पर जो है पुलिस की भी नज़र रहती थी, लोगों की भी नज़र रहती थी, यानी सब। अब ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मास्क यानी चेहरे को ढक कर के चलना, मतलब कोई ये नहीं माना जाता है, तो लोग जो है चेहरे को ढक कर के बाकायदा इस तरह की चोर जो है सातिराना अंदाज में इस तरह की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। चोर को तलाशने में या चोर को गिरफ्तार करने में अगर इतनी देरी हो रही है तो उसकी वजह ये भी है कि CCTV कैमरे में जो फुटेज कैद हुआ है, जो चोरी करता हुआ जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसका चेहरा उसमें नहीं दिख रहा है। तो इसको लेकर के भी पुलिस को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही होगी कि उसको किस तरह से तलाशा जाए। लेकिन ऐसे चोर को पकड़ना जल्द से जल्द ज़रूरी है ताकि आगे किसी की दुकान में इस तरह की जो वारदात हो वो ना हो। दूसरी, आप सब अगर अपनी अपने दुकानों की हिफाजत करें, CCTV लगा हुआ है ये बात तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कैश ना रखें ताकि इस तरह की चोरी जो है को चोर अंजाम देने में असफल रहे। अगर आपके यहाँ ज़्यादा कैश रहेगा, जैसे जो 6 अगस्त की चोरी हुई थी उसमें करीबन 48,000 रुपया कैश जो है वहाँ से चोर ने चोरी की थी, तो इस सब को ध्यान रखते हुए जो है अपने दुकान में कैश ना रखें और सावधानी बरतें, अपने दुकानों का ख्याल रखें। और CCTV अगर ऑनलाइन है आपका तो रात के टाइम पे उसको एक दो बार चेक करने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे प्रिकॉशन की वजह से, यानी प्रिकॉशन है अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के वारदात को अंजाम देने से रोका जा सकेगा। अगर किसी के दुकान में CCTV नहीं है तो CCTV उनको लगाना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक कैमरा तो आपको अंदर लगाना चाहिए और उसका ऑनलाइन सिस्टम रखना चाहिए ताकि आप अपनी दुकान पे नज़र रख सके। आगे वीडियो में देखिए कि चोर ने किस तरह से, इस सातिर चोर ने इस चोरी को अंजाम दिया। थैंक यू सो मच।